हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास सेवन का मैथ। इसका चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर सेवन, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसकी एक्सरसाइज हमारी 7.2 चल रही है, जिसके हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेवन। ड्रा टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट दे रखा है हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, और सेकंड दे रखा है हमें ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। और ये हमें ट्राइंगल्स बनानी है जो इक्वल एरिया की स्केयर्ड शीट के ऊपर बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ किया है। मैंने बी सी जो बेस है इस ट्राइंगल का, उसको मैंने 8 यूनिट लिया है, और जो हाइट है वो मैंने 5 यूनिट्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया था ए पॉइंट, और इसको मैंने बी और सी से मिला दिया था। तो ये ट्राइंगल बन गई हमारी ए बी सी। अब हम एक सेम ट्राइंगल और बनाएंगे, क्योंकि हमें तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बनानी है। तो एक्स वाई जेड, बेस इसका 8 यूनिट्स है और जो हाइट है वो 5 यूनिट्स है। तो ये ट्राइंगल बन गई हमारी ए बी सी, और ये ट्राइंगल बन गई हमारी एक्स वाई जेड। इन ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ये हमें निकाल के देखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका पेरीमीटर चेक करना है। फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस रखा है 8 यूनिट्स और हाइट है 5 यूनिट्स। इसका एरिया आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस 8 और हाइट है 5। ये काट देंगे 8 को 2 से, 4 इंटू 5 20 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ट्राइंगल्स फर्स्ट था हमारा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सेकेंड हो गया, इनका एरिया भी इक्वल है। जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है तो एरिया भी इक्वल होगा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। तो हमारी दो चीज़ें प्रूव होगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और उनका एरिया भी इक्वल है। अब हमें देखना है पैरीमीटर। ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। ए सी इक्वल है एक्स जेड के। बी सी किसके इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है। तो क्या होता है पैरीमीटर, जो लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, इस ट्राइंगल की लेंथ ऑफ थ्री साइड्स इक्वल होना चाहिए, इस ट्राइंगल की लेंथ ऑफ जो थ्री साइड्स है उसके सम के इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का सम कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए बी बी सी और सी ए ये क्या है, तीनों साइड्स का सम है, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने क्या दिखाना है, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट बट एरिया मस्ट बी इक्वल, और उसके बाद हमने बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, उनकी जो शेप है वो अलग बनानी है, लेकिन उनका एरिया इक्वल होना चाहिए। उसका बेस है जो हमने लिया है, एक ट्राइंगल का बेस और हाइट, वो दूसरी ट्राइंगल का बेस और हाइट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेस लिया है बी सी, 8 यूनिट्स लिया है, और हाइट जो लिया मैंने वो 5 यूनिट्स लिया है। तो ये यहाँ पे हमारी ट्राइंगल कौन सी है, स्केलिन ट्राइंगल है ए बी सी। बेस 8 यूनिट्स है और हाइट 5 यूनिट्स है। जो मैंने दूसरी ट्राइंगल बनाई है एक्स वाई जेड, उसको मैंने अलग बनाया थोड़ा सा। वाई जेड को 8 यूनिट लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया है। एक साइड को इस तरह से लिया है एक्स वाई, और ये यहाँ पे थर्ड साइड हो जाएगी। तो इसके अंदर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है, इसका एल्टीट्यूड कहाँ होता है, ट्राइंगल के बाहर की तरफ होता है। तो एक्स पॉइंट से लेकर नीचे तक ये हमारा
एक्स ओ, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा ये। अब हम निकालेंगे इनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस 8 है और हाइट कितनी है 5 है, 20 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे कितना है, ये बेस है 8 यूनिट्स और हाइट एल्टीट्यूड, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और हाइट कहाँ, इसकी एल्टीट्यूड कहाँ होता है, बाहर होता है ट्राइंगल के, एक्स ओ के 5 यूनिट्स है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 20 स्क्वायर यूनिट्स है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि इन ट्राइंगल्स का इक्वल एरिया है। सेकेंडली, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, क्योंकि इनकी शेप से ही पता चल रहा है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट है, ये हमारी साइड ए बी है, ये हमारी एक्स वाई, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो हमारी थर्ड साइड है ए सी और एक्स जेड, देखने से ही पता लग रहा है कि जो साइड एक्स जेड है ये ए सी से लंबी है, ए सी से बड़ी है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है तो इनका जो पैरामीटर है वो भी इक्वल नहीं होगा। इस ट्राइंगल का पैरामीटर इस ट्राइंगल से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्स जेड है वो ए सी से लंबी दिख रही है। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 यूनिट्स है, और यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स है, करीब ये 1.5 टाइम है इससे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ए बी इक्वल है एक्स वाई के, कितनी यूनिट्स है ये 8 यूनिट्स है, और बी सी इक्वल है वाई जेड के, ये हमारी 5 यूनिट्स है। लेकिन सी ए इज नॉट इक्वल टू जेड एक्स, सी ए और जेड एक्स इक्वल नहीं है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का पेरीमीटर सेम होता है, लेकिन नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का पेरीमीटर सेम नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। हमें दो ट्राइंगल्स का रफ स्केच बनाना है, इस तरह से बनाना है कि उनके अंदर हमें शो करना है 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। वैसे अगर 5 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक रफ स्केच बनाना है और हमें शो करना है कि इवन दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स बट दे स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। हमें केवल यहाँ पे रफ स्केच बनाना है, तो इसका रफ स्केच मैंने बनाया है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो 5 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या शो किए हैं मैंने इसके अंदर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, बोथ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। यहाँ पे मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को राइट एंगल्ड ट्राइंगल शो किया है। तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री के हैं, सेकेंड हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये सेकेंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर हो गया हमारा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। मैंने इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल शो कर रखे हैं। अब हमें बताना है फोर्थ पेयर क्या है यहाँ पे। फोर्थ पेयर मैंने बनाया है बी सी इज इक्वल टू आर क्यू, जो इस ट्राइंगल का बेस है इसको मैंने क्या किया है, बी सी को आर क्यू के इक्वल कर दिया है, इस ट्राइंगल के बेस के इक्वल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट हमने क्या शो करना है,
ए सी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसको मैंने इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल किया है, पी क्यू के इक्वल किया है। ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा फिफ्थ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। लेकिन ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज को, इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज को इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए सी को इक्वल होना चाहिए पी आर के इक्वल। लेकिन यहाँ पे तो गलत दे रखा है, ए सी को कहाँ किसके इक्वल कर दिया, ए सी को इन्होंने इस साइड के इक्वल कर दिया, पी क्यू के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ही नहीं। हेयर फाइव पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स आर गिवन, यहाँ पे फाइव पेयर दे रखे हैं कॉन्ग्रेंट पार्ट्स के, थ्री एंगल्स और टू साइड्स। इवन देन ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती तो रिमेनिंग पार्ट्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। तो जो इसके में पार्ट्स बच जाते हैं, जो थ्री एंगल्स और टू साइड्स को छोड़ने के बाद एक साइड बच जाती है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। ए बी मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू। ए बी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए था, पी क्यू के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन पी क्यू तो ए सी के इक्वल दे रखा है। तो क्या कहेंगे हम, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ये हमें केवल एक रफ स्केच बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर आर टू बी कॉन्ग्रेंट, हमें इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। हमें इसके अंदर एक एडिशनल पेयर बताना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का, और हम कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये एंगल बी दे रखा है हमारा, एंगल क्यू के इक्वल दे रखा है, एंगल सी दे रखा है हमारा एंगल आर के इक्वल। अगर ये साइड बी सी हमारी क्यू आर के इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया इसके अंदर यूज हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री का दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ये भी हमारा दे रखा है। अगर ये साइड बी सी साइड हमारी क्यू आर के इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, अकॉर्डिंग टू ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर दो एंगल्स के बीच की जो साइड है, इंक्लूडेड साइड है, उन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, अगर वो इक्वल हो जाएगी तो इसके अंदर ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल हमारा अप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ए बी सी, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एफ ई डी। हमें ट्राइंगल दिखा रखी है ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल का नाम दे रखा है एफ ई डी, हमें ये कॉन्ग्रेंट शो करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ए इक्वल दे रखा है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल दे रखा है एंगल ई के, और एक हमारी यहाँ पे साइड है इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल दे रखी है। लेकिन ऐसे तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, लगता है कि यहाँ पे एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होगा, क्योंकि जो साइड है ये हमारी दो एंगल्स के बीच वाली साइड होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो साइड है ये वाली साइड होनी चाहिए, तो कैसे हम इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे। ये हमारा गिवन है, एंगल बी दे रखा है एंगल ई के इक्वल, 90 डिग्री का है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई डी दे रखा है, बी सी किसके इक्वल दे रखा है, ई डी के इक्वल दे रखा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल दे रखा है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एफ ई डी इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। बेशक इसके अंदर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, लेकिन
साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन एंगल्स, जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं है, इसीलिए ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने के होंगे, 180 के, और इस ट्राइंगल कितने, तीनों एंगल्स किसके होंगे, कितने किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों के आगे 180 है, तो हम इन एंगल्स को इक्वल रख देंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। एंगल ए किसके इक्वल है हमारा, एंगल यहाँ पे जो एंगल्स हमारे इक्वल दे रखे हैं, एंगल बी इज इक्वल टू ई दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ई को हम एंगल बी रख देंगे, ठीक है। एंगल एफ हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल ए लिख देंगे। एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे एंगल बी और एंगल ए से कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो अब हमारा एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के इक्वल आ गया। अब हमारा एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, 90 डिग्री के हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर दिया है इस चीज़ को, और बीच की साइड हमारी इक्वल दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमारा 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई डी, ये हमारा दे रखा है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने प्रूव किया है अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी बाई ए एस ए क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी, वट हैव वी डिस्कस, क्योंकि इसमें से वन मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर, जो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होते हैं, जैसे फोटोस्टेट कॉपी होती हैं। द मेथड ऑफ सुपर पोजिशन एग्जामिन्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स की कॉन्ग्रुएंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख देते हैं, अगर वो उसको कवर कर लेती है तो हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंस है, अदरवाइज नॉट। टू प्लेन फिगर्स से एफ वन एंड एफ टू आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ एफ वन फिट्स एग्जैक्टली ऑन दैट ऑफ एफ टू, अगर हमारे पास दो प्लेन फिगर्स हैं एफ वन और एफ टू, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब हम एफ वन की जो ट्रेस कॉपी है उसको हम एफ टू के ऊपर रखेंगे और वो उसको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर लेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, एफ वन कॉन्ग्रुएंट एफ टू। दो लाइन सेगमेंट हैं ए बी और सी डी, वे अगर उनकी इक्वल लेंथ होगी, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर और सी डी भी 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और इस तरह से हम उनको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, या हम इसको कॉन्ग्रुएंट वाला साइन भी लगा सकते हैं। टू एंगल्स, जैसे हम लाइन सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब उनकी इक्वल लेंथ होती है, इसी तरह से एंगल्स, अगर एक एंगल 50 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 50 डिग्री का है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारे क्राइटेरिया एस 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 क्राइटेरिया, इसके अंदर तीनों साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल की, वे दूसरी ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल होती हैं। सेकेंड क्राइटेरिया एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसके अंदर क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, एक ट्राइंगल के दो साइड्स उनके बीच का एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होंगे, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होगा। थर्ड है हमारा ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दूसरी ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके बीच की साइड अगर इक्वल होंगे, तो उस क्राइटेरिया को बोलेंगे हम ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। इस तरह से होगा ये फिगर के अंदर, एंगल एंगल साइड, तो इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल भी इसी तरह से बन जाए, एंगल एंगल साइड, और यहाँ पे एस एस में हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, और एस ए एस में इस तरह से हो जाएगा,
एस एस ये वाला एंगल, एस एस और ये वाला एंगल, इनके बीच का एंगल। आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल, इसके अंदर सिर्फ हमारा ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होगा। ये हो जाएगा राइट एंगल, ये हो जाएगी साइड, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल, साइड और हाइपोटेन्यूज। देयर इज नो सच थिंग एज एंगल 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 कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हों, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। टू ट्राइंगल्स विद इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके एंगल्स इक्वल हैं तो वे जरूरी नहीं कि वे कॉन्ग्रेंट होंगी। इन सच ए कॉरस्पॉन्डेंस वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज्ड कॉपी ऑफ द अदर। एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल की एनलार्ज्ड कॉपी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। दे वुड बी कॉन्ग्रेंट ओनली इफ दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। वे एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट तभी होंगी जब वे एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देती हूँ, इसके एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स नहीं हैं। इसके अंदर एंगल 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 तो इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या जरूरी है? दे मस्ट बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ईच अदर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज। थैंक यू बच्चों।